भारत में दक्षिणार्य शैली के विशालतम श्री रंग मंदिर के चंदन निर्मित विशाल रथ में विराजित ठाकुर गोदा रंग मन्नार भगवान के दर्शनार्थ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। ऊंचे ठाकुर जी के भव्य रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। श्री रंग मंदिर दिव्य देश के ब्रह्मोत्सव में चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर ठाकुर गोदा रंग मन्नार भगवान चंदन निर्मित विशालकाय रथ पर विराजमान होकर भक्तों को कृतार्थ करने निकले। वैदिक परंपरा अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर रंगनाथ भगवान श्री देवी भूदेवी के साथ निज गर्भगृह से पालकी में विराजमान होकर ज्योतिष गणनानुसार मीन लग्न में दिव्याकर्षक रथ में विराजित हुए तो रंगनाथ भगवान के जय जयकार से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। तदुपरांत वैदिक रीति रिवाज से मंदिर पुरोहित विजय किशोर मिश्र व गोविंद किशोर मिश्र ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर देव आवाहन नवग्रह स्थापन गणपति आवाहन आदि देवों का पूजन वंदन कर दसों दिशाओं को सुरक्षित कराए जाने के उपरांत पेठे की बलि दी गई। पूजा अर्चना मंदिर के लखनलाल पाठक ने की। इस दौरान रंग मंदिर के पुरोहित विजय मिश्र ने स्वामी गोवर्धन रंगाचार्य जी महाराज को रक्षा सूत्र बांधा। लगभग एक घंटे की पूजा प्रक्रिया के बाद जैसे ही सात कूपे का धमाका व काली के स्वर ने रथ के चलने का संकेत किया भक्तों का उत्साह दो गुना हो गया। रंगनाथ भगवान के जयकारे लगा विशालकाय रथ को खींचने की होड़ सी लग गई। करीब 15 फुट चौड़े 20 फुट लंबे व 60 फुट ऊंचे रथ की छवि देखते ही बनती थी। उच्च श्रेवा नामक चार श्वेत घोड़ों की लगाम थामे पार्षद मुख्य पार्षद जय विजय दिग्पाल विश्वक सेन जी आदि देवताओं से सुसज्जित रथ पर सजी रंग बिरंगी पताकाएं देशी विदेशी सुगंधित पुष्प केली के तने हरे पत्तों से रथ का आकर्षण अपनी दिव्यता से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लगभग 3 घंटे में रथ ने करीब 700 गज का सफर तय किया। मध्यांत रथ बड़ा बगीचा पहुँचा जहाँ विश्राम के उपरांत रथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। रथ घर से ठाकुर जी को पुनः पालकी में विराजमान कर शुक्रवार को बगीची में विराजित कर शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से रंगीन फव्वारे चलाए गए। ठाकुर जी की शीतल पेय पदार्थ मिष्ठान्न फल आदि निवेदित किए गए। ठाकुर जी को शीतल पेय पदार्थ मिष्ठान्न फल आदि निवेदित किए गए।